शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय येसु। इस चालीसे काल में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम मित्रता यानी फ्रेंडशिप पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्यार पाना वह प्यार करना किसी भी मनुष्य के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। यह उसकी बुनियादी ज़रूरत है। इस संसार में अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इस जीवन की यात्रा में चाहे हमें अपना सुख दुख बांटने के लिए या फिर अपनी कठिनाइयों, समस्याओं एवं अपने अनुभवों को बांटने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो होती ही है। कलकत्ता की संत मदर टेरेसा यह कहती है, इस संसार में अकेले रहना सबसे बड़ी बीमारी है। इस बात को हम पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 में अदन की वाटिका में जब ईश्वर ने मनुष्य को अकेला देखा तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और ईश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर ने भी मनुष्य के लिए एक साथी की ज़रूरत को महसूस किया। हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा जीवन के हर एक पहलू में किसी न किसी की मदद ज़रूर होती है आगे बढ़ने के लिए। चाहे हम वैवाहिक व्यक्ति हो या फिर अवैवाहिक, बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर किसी को एक न एक साथी की ज़रूरत होती है जिनके साथ वह अपने सुख दुख, अपने जीवन के अनुभवों को बांट सके। वर्तमान युग में इस रिश्ते को मित्रता का नाम दिया जाता है, लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, मित्रता के सही अर्थ को आज हम पहचानने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। सच्ची मित्रता आज लुप्त होती जा रही है। अपने चारों ओर एक नज़र डालकर देखिए आज की मित्रता पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपके हजारों मित्र होंगे, लेकिन कितनों के साथ असल में आपका सच्चा व गहरा रिश्ता है? जब आप एक क्षण को याद कीजिए कि आपके बुरे वक्त पर ऐसा कौन सा मित्र है जिसने आपका साथ दिया होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज लोग मित्रता का चुनाव बाहरी सौंदर्य, धन व ताकत पर करते हैं। मित्रता तो ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम एहसास है, एक उपहार है, जहां घृणा व स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। सच्ची मित्रता हमेशा आपको प्रोत्साहित करेगी, कभी आपको निराश नहीं करेगी। सच्ची मित्रता आपको सीधी व सच्ची राह पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। प्रभु येसु ने स्वयं योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में यह कहा है कि इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण त्याग दे। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, सुख दुख, कठिनाइयाँ, समस्याएं, यह तो जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन यह मित्रता का अंत नहीं बल्कि उसकी परख है। मैं मानती हूँ आज के युग में सच्ची मित्रता निभाना कोई आसान बात नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक अच्छे मित्र भी साबित होंगे। मित्रता एक अटूट बंधन है, एक एहसास है, जहां माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबका स्नेह समाता है। तो आइए भाइयों और बहनों, हम ईश्वर से यह कृपा व वरदान मांगें कि हम मित्रता को एक अनुपम एहसास, हौसला, सहारा, शक्ति, विश्वास व आस्था का मोहताज बना सकें। इस वक्त अपने सभी मित्रों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें, विशेषकर उन मित्रों के लिए जिन्होंने दुख के समय में आपका साथ दिया है। उन मित्रों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको धोखा दिया है, पर जिनसे आपको जीवन में एक सीख मिली है। हम स्वयं अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम भी एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मित्र बन सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु परमेश्वर से करते हैं उनके पवित्र नाम पर। आमीन।